कौन सा सदमा लग गया मेरे मुन्ने को? चलो चुप हो जाओ बिल्कुल। ये इसको फरीबा जाना ही नहीं है, आप ले लो। लगे अभी दो लग गए ना? दो लग गए। कौन कौन गए थे इसको लेकर? सबा खाली अकेले अकेले चले गई थी। ओ मेरे प्यारे मुन्ने को, जभी तो रो रहा है ये, जभी तो सदमे में है, जो तो पता ही नहीं था। तो अभी हमें जाना है भाई सबा की पिक्चर के लिए और पासपोर्ट के पीडीएफ के लिए, क्योंकि हमने आगे देना है और वीजा लगवाना है अपना। तो सब अभी सो रही, जैसे ही उठेगी तो फिर हम जाएंगे। और वो जो है ना, इसको भी हमें लेके जाना था आज ही सबा के साथ मैंने, लेकिन सबा इसको अकेले ही लेके चलो जब मैं सो रहा था, तो ये भी गुड हो गया काम। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग्स। जल्दी जल्दी, सर्दी बहुत आ गई तो हमें गेट बंद करना पड़ता है। आ रहे हैं हम भाई सबा की पिक्चर के लिए और पासपोर्ट पीडीएफ के लिए। डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई जल्दी आ गई हो, आज आज लगा देंगे इंजेक्शन। ये वाला भी लंबी कर रही हो तुम भी, अब तो यही नहीं खुल रहा यार, इतना इजी। अरे खोलो खोलो खोलो, कैसे हो? ठीक ठाक। अरे थैंक यू। पिक्चर खिंचवाने आए थे? फिर खींचनी? देखो कितने सारे बैकग्राउंड है, रेड है और ये ब्राउनिश टाइप है और ये ब्लू। तुम्हारी ब्लू वाली भी तो हो चुकी है, अब तुम्हारी आई थिंक सो, देखते किस पे होती है, ये नहीं बताऊंगा किस पे हो रही है, पता लग जाएगा ना इसे कौन से बैकग्राउंड है तो कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें भी नहीं बताऊंगा, बस तुम्हारी पिक्चर करवा के, बस वीजा लगवा के तुम्हें फिर बताऊंगा। नहीं पता, जितने तुक्के मारने मार लो। ये बंद हो गया, ये पीछे व्हाइट हो गया, या ब्राउन चाहिए होगा तो ब्राउन यू कर देंगे, रेड चाहिए होगा तो रेड कर देंगे। बाल बाल बनाने तो बाल बाल बना लो, ये लो। हाँ फिर ठीक है, चलो फिर तो सुबह की जरूरत ही नहीं है भाई। तो कैसे पासपोर्ट की पीडीएफ तो नहीं हुई, पिक्चर्स हो गई हैं, तो अभी हम जा रहे हैं भाई पासपोर्ट की पीडीएफ के लिए। कहीं और देखना पड़ेगा कि यार पीडीएफ कहाँ से होगा, कभी भी एक जगह से ना सारे काम नहीं होते। हमारे यहाँ पर सबने अलग अलग दुकानें खोली हुई, लाइक एक जगह पे रख लो सेटअप यार, एक ही तो वो लगानी है स्कैनिंग मशीन, जस्ट स्कैन करो और वो पीडीएफ भेज दो ईमेल के ऊपर। मशीन भी तो महंगी है ना, सब कितने पैसे थोड़ी होते हैं किसी के पास। ओ भाई यहाँ दुकान खोल के जो बैठे हुए ना सारे पैसों वाले हैं, दुकान खोलना आसान नहीं है, वरना यहाँ पर आपके भाई की दुकान भी होती, समझ रहे हो? का हाल से मुर्दा जानते हैं बेटा, आपको नहीं पता। चलो लेट्स गो। यही दुकान और जगह ही नहीं है भाई पार्क करने की, तो देखो कहाँ गाड़ी पार्क करे, तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं होती दिन के टाइम, और समझ लो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हमें चौकीदार को भेजना पड़ेगा, फिर उससे बोलेंगे कि यार वो पीडीएफ करा के ले आओ, क्योंकि जब गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते तो दुकान पे जाएंगे कैसे। तो भाई डॉक्टर से कंसल्ट करने आए थे हम, फ्यूचर प्लानिंग, तो वो हो चुका है डॉक्टर से हमारा कंसल्ट, और अब हम गाड़ी मंगाएंगे और जाएंगे घर। क्या है गाड़ी भाई हमारी? ओ वोरी वोरी। भाई लाइफ के साथ साथ ना काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि डॉक्टर से पूछना लाजमी है। सबा ने मुझे एक महीने से तंग किया हुआ था कि डॉक्टर बुला रही है, डॉक्टर बुला रही है, तो आज हम चले ही गए। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया। क्या बोल दिया? बेबी को आप छोड़ के जा सकते हो। नहीं ना, मैं दिल नहीं कर रहा। क्या दिल नहीं कर रहा? डॉक्टर बोल रही है कि आपको रिलैक्स मिलेगा अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दो और अपने आप को भी टाइम दो। और सबा ने तो वहां रोना शुरू कर दिया भाई। सबा को बोल रही है कि भाई इस एज में ये सब नॉर्मल है, ये चीजें कि आप जागते हो रातों को, कम सोते हो, तो सबा के आंसू आ गए। वो मैंने कैमरे में नहीं लिया, तो मैं आपको नहीं बता सकती, छोड़े आपको, आप समझते ही नहीं। चलते हैं भाई डायरेक्ट घर, गेट तो खुला ही छोड़ दिया। कर रहे हो मेरे मुन्ना, छोटू छोटू मुन्ना, टमाटर तू खिला रहा है नहीं खिला रहा इसको? अब इसको अपनी आवाज में बोला कर ताकि थोड़ा एंटरटेन तो हो। अब तुम अंदर ही रह रहे हो ना, गुड 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 भाई, तो बहुत ज्यादा ही हो गए, एक दो तीन चार पाँच, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। कहाँ एक पिंजरा पड़ा होता था हमारे पास, सॉरी हमारे सबसे पहले पिंजरा कौन सा था? ये वाला पिंजरा था सबसे पहले हमारे पास, फिर ये नहीं, सबसे पहले हमारे पास ये वाला था, क्योंकि ये देखो कितना पुराना लग रहा है। क्या कौन सा बड़ा वाला? ये सबसे बड़ा वाला, अच्छा हाँ सबसे पुराना ये वाला है भाई, बाकी उसके बाद नए नए आए और ज्यादा हो जाएंगे, तो इतना बड़ा पिंजरा ले आएंगे, ये जगह खत्म, फिर हम यहाँ से जाया करेंगे। डॉक्टर ने बोला अच्छा पार्क वगैरह भी, इससे क्या होगा? इससे वो कह रही है वो एक्टिव होगा, चीजें देखेगा, चीजें नोट करेगा। अच्छा तो मतलब कि बासिल को बाहर घुमाना भी है? मैं तो समझता बाहर घुमाना ही नहीं है, छोटा बच्चा बाहर लेके नहीं जाओ, लेकिन डॉक्टर बोलती है नहीं बाहर लेके जाओगे तो मतलब और हेल्दी होगा, अच्छा होगा, उसको चीजें देखने को मिलेंगी काफी, और ग्रास होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, तो वो सारी चीजें। सर बासिल हमारे साथ बाहर भी जाएगा, सॉरी मुन्ना सो जाओ नींद में, इसका दर्द हो रहा है ना, इधर इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा रहे हैं भाई, हमारी गलती नहीं है, डॉक्टर बोलता है लगाओ इंजेक्शन।
अब हम क्या करें? तू नहीं लगाता, देख ये लगा रहा है छोटा बच्चा, ये भी नहीं लगाएगा। मैं पूरे 9 साल तक लगाने, 9 साल तक जैसे लगेंगे इसके भाई, यही तो परेशान हूँ मैं। 1.5 साल तक हमारे लगे, समझ रहे? मतलब 1.5 साल, 1-1 महीना। अब ये समझ नहीं आ रहा मैं, बच्चों के साथ गलत है ये, बच्चों का जुलम है यार। बच्चों बेचारा रो रहा है कब से, सुबह से। अब 9 साल तक वो कैसे लगाएगा इंजेक्शन? तो फिर हम कैसे, मतलब यहाँ जिंदा है और जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो कैसे? तोता उड़ गया क्या? क्या हो गया? कहाँ गया? आप तोते को क्यों पकड़ती हो क्या? अरे मैं तुझसे पकड़ती हूँ, खुद बाहर निकाल रही थी। नहीं, खुद नहीं निकाल रही थी, वो पिंजरे से निकल गया है बाहर। अब कैसे पकड़ेंगे अभी? कहीं बाहर 1 मिनट पहले गेट बंद करना पड़ेगा। जो है ना, तोते साथ खेलती रहती है हमेशा। तोता उड़ गया, जल्दी आ, तोता उड़ गया। पहली दफा तो मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ, नया नया बच्चा आया होगा। और ये तो पूरा व्हाइट है माशाल्लाह। कौन उठाएगा अभी? मैं। चलो देखते हैं आप कैसे उठाती हो। तुम क्यों नहीं उठा रहे? तुम मम्मा ने बोला, मैंने बोला मम्मा उठा लो, मम्मा हाँ उठाऊंगी। कहाँ गया? अभी वो निकल जाएगा। नहीं नहीं मॉम, डर लग रहा है मॉम को। डरना नहीं है मॉम, डायरेक्ट पकड़ना है। पकड़ लिया? अरे वाह, आराम से आराम से। अरे प्याकर प्रिया, हाँ मैं भी करूँगा। रुको 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 रुको, काट रहे हो, हम चूचे मार रहे हैं, बुला रहे हैं। हाँ, वो गुस्सा आ गया भाई, हमारा तोता भागा भाई। बस बस आ गया, आ गया। चलो भाई, शीशे खुले तो ना सारे भाग जाते हैं। मॉम दिखा रही है भाई, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। ओए, 1, 2, 3, ये तो बहुत छोटे छोटे थे, 5। ओहो मॉम, एक को मार दिया। किसने? इस वाली दो तीन ने मारा था। कब मारा था? कल कल। अंदर मरा हुआ था छोटा सा, उसके अंदर घुस के उसको। वो कहाँ गया? मतलब मट्टी में दफनाया। बासिल भी जा रहा है भाई, बासिल की ट्रैवल बैग आया है। कहाँ संभालोगे? देख लो ट्रैवल बैग कैसा है। वाह भाई वाह, अरे इतना प्यारा ट्रैवल बैग, अच्छा है। अरे वाह, तो ये बासिल कैसे चलाएगा? चलाना तो हमें पड़ेगा। मम्मा लाई, मम्मा ने बोला जब तुम लोग इसको तंग करोगे ये अपना सामान पैक करके यहाँ आ जाए। ये ट्रैवल बैग मतलब नानी को जाएगा? स्कूल वाला बैग लेके भेजेंगे नानी के। मम्मा बोल रही थी इसकी छोटी मोटी चीज होती तुम इतना बड़ा बैग लेके आते, इसका अलग से सामान इसके बैग में। सही, नहीं जा रहा ट्रैवल में हमारे साथ भाई, तुम क्या समझ रहे हो? वाकई जा रहा है, ट्रैवल बैग है, लेकिन ये सिर्फ नानी वानी के जाने के लिए और घूमने फिरने के लिए। ये टूट जाएगा तो मैं एक हाथ से उठाऊंगा तो। ये देखो, अभी तो फिलहाल हमारा बेबी सो रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि उसका ट्रैवल बैग भी आया। ये तो बड़ा अच्छा बैग आ गया यार। अरे वाह भाई वाह, मतलब 2 स्पेसेस है यहाँ पर, एक ये कपड़ों वाली है और ये शायद फीडर वगैरह इस तरह है ना। बहुत कमाल है भाई, इनको पैक करके अब हम रखवा देते हैं वाले घर पर, जब बेबी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस बैग में ये अभी इस्तेमाल कर लोगी इसको? इसको बाद में इस्तेमाल करते ना, ताकि ये बड़ा हो, ये खुद चलाए इस बैग को। कितना तब तक और आ जाएंगे तो मम्मा इसके अभी के यूज के लिए। तब तक और भी आ जाएंगे, मतलब अभी जैसे मंकी वाला है तो फिर बाद में वो वाला आएगा, लॉइन वाला। अब पांडा वाला भी है, लॉइन वाला भी है, और ये बेबी ये वाला नहीं मंगाना, ये पैग वाला, ये गंदा है। एलिफेंट वाला, हाँ ये सही है, फिर सही है। फिर अभी हम इसको अभी यूज कर लेंगे ताकि हम और भी बैग ले सके इसके लिए, ये वाले। हो गया ऑपरेशन, हो गया मॉम। एक जगह पे हम तीनों लेट गए हैं भाई, मैं भैया और ओ पापा भी आ गए, पापा भी आ गए। असलाम पापा, ये कपड़े किसके भाई? इसके नाने के लिए। कब से बैठा हुआ है हमारा भाई? कब से ऐसी लेटा हुआ हमारे साथ? तो ओए ओए खतरनाक पानी आया। अब ये भी नहीं आया हफ्ते से, लेकिन कपड़े तो नहीं रखे हुए ना मेरे, ये भी नहीं आया 2 हफ्ते से। अब नहीं नहीं मैं नहाया हूं भाई। अबे टमाटर की तो छुपा। खाने में क्या है ये? झींगा। झींगा मंगाइए, घर बनाइए। मंगवाइए, ये सोचो घर में तो हमारे कभी बनी नहीं झींगा कढ़ाई, आज के खाने में है झींगा कढ़ाई। मैं शौक हो जाता हूँ जो चीज घर में नहीं बनी होती ना, और वो अगर आ जाए कहीं से। और मीठे में लच्छे हैं आज। चाबा टमाटर गुड, सुला इसको फटाफट से भाई। अबे ये तो उठा हुआ है, तू सोता है वाली आदत डालना इसको यार। इसको वही वाली डालनी है, दाल जल्दी दाल शाबाश। रात को तंग करता है भाई, इसलिए टमाटर मेंटस वाली आदत डलवानी ही पड़ेगी। लेकिन एक दो साल के लिए, ये नहीं कि टमाटर मेंटस आदत डलवा दे तो वो सदियों चले वो आदत। डिसाइड कर लिया जाने का। हाँ, आज हम गए थे पिक्चर के लिए, पासपोर्ट के लिए, अब डन। बताऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, ठीक है। जब वीजा लग जाएगा जब बताऊंगा, अभी वीजा नहीं लगा भेज दिया। लेकिन तुम्हें भी जब बताऊंगा मॉम, आपको भी सबको एक साथ बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बेबी को लेके नहीं जा रहे, सही है ना? छोड़ के जाना बेबी को, जाना। तुम लोग नहीं घूमोगे, वो तुम्हें घुमाएगा। ये बात इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि हमें घुमाएगा। दादी आई है भाई, बड़े टाइम बाद। दादी बेबी ठीक है हमारा? अभी तो सोया मेरी गोद में। अच्छा, दादी ने सुलाया है बेबी को? दुपट्टा मुझे खुद नहीं पता चला, पूरा आग लग गई बस। मैं मेरे सामने ही आग लगी थी, वो अम्मा चाय बना रही थी,
अम्मा पता नहीं कुछ ले रही थी तो वो रुबट्टा वो चाय वाले उसमें चले गया आग में, लेकिन हम लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट समझ ली थी तो बच गए। सीरियस समझ ले तो और लग जाती, सीरियस चीजों को ना हम लोग एंटरटेनमेंट में ले जाते हैं, मतलब उसको फिर मजाक मस्ती में ना पर वो हल हो जाती है। सब पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई ये आँख कैसे लग गई, कैसे लग गई। जब भी बोल रहा था पापा को, पापा के दिखाने देते कि आँख कितनी लगी है। पापा ने ब्लॉग बनाने नहीं दिया था मुझे, बना दी वहाँ वैसी भड़क रही थी उस पर बस। और सॉरी 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 सॉरी, तुम भी उठ गए, तुम्हें झूला झूला भूल गया मैं, सॉरी, तुम वापस सो जाओ, शाबाश। और चुस्नी निकाल दी, पर रोना नहीं, रुको चुस्नी लगा लो, रुको 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 रुको, अरे चुस्नी हाथ में आ जा, अरे पकड़ लगा 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 लगा, अरे तुम्हारा गेम है, तुमने इसको चुस्नी मुंह में लेनी है फटाफट से, अरे मुंह खोलो, अरे खोलो, अरे इसको मुंह में नहीं जा रही, ये गेम नहीं समझ पा रहा। हाँ ये अब गेम समझ गया ये लड़का। दादी के पास भाई तुम्हें निकाल दिया मैंने बाहर, तुमने रोना शुरू कर दिया, चलो 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 दादी तुम्हें सुला देंगे, चलो साहब। ये फौरन घूम गए तुम, हाँ अब सो जाएगा लग रहा। वैसे बच्चे जो दादी थी वो ना आंटियों की गोद में सोते हैं, मतलब कि लड़की फीमेल। हमारी गोद, आपकी गोद में कभी नहीं सोया, मेरी गोद में कभी नहीं सोया, दादी मम्मा सबा इनकी गोद में सोता है। मास को कोई काम आ गया था, वो चले गए हैं, इसलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मास्क मुझे नहीं बताया वो मुझे कहाँ लेके जाएंगे। इससे मेरे पास भी बहुत सारे सरप्राइज हैं मास्क के लिए, मास्क को पता चलेंगे आहिस्ते आहिस्ते। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी चीजें एनिवर्सरी से पहले कर लूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मास्क मुझे एनिवर्सरी पे क्या स्पेशल चीज देंगे, क्या स्पेशल करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी जो सारी चीजें स्पेशल हैं वो पहले कर लूँगी। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और देखते रहें मास्क ऑफ द वर्ल्ड।